बोथ ऑफ देम आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क. एक जो देख के कनेक्ट होता है वो मुझे विक्की को देख के, अभी हम लोग मिले नहीं हैं हालांकि, बट उनका काम देख के और उनको देख के और उनको इवेंट्स पे देख के मुझे बहुत खुशी होती है. मैंने अपनी बहन को किया, एक कड़ा टाइप का कुछ था, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है. तो आई टुक अ फ्रेंड ऑफ माइन ज्वाला इन हैदराबाद, आई टुक हर टू द शॉप एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी. ज्वेलरी अपने आप में इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बहुत सारा एफर्ट इसके अंदर जाता है, हम लोगों को देख के शायद इतना लगता नहीं होगा, बट देर आर पीपल हु रियली पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन इट एंड इट्स अमेजिंग. हेलो मैगजीन उन लोगों को अक्नॉलेज कर रहे हैं और उन लोगों को फेलिसिटेट कर रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज हैप्पी. व्हाट मेक्स मी हैप्पी, मेरी जीप देख के मुझे बहुत खुशी होती है. मुझे लगता है मेरी ज्वेलरी मेरी जीप है. लड़कों के लिए अपनी बाइक अपनी जीप काफ़ी ज़्यादा एक ज्वेलरी की तरह होती है, और लेडीज़ के लिए आई गेस ज्वेलरी उतना ही मायने रखती होगी. तो मुझे तो मेरी जीप देख के और उसमें बैठ के और उसमें लॉन्ग ड्राइव पे जाके बहुत खुशी होती है. विक्की कौशल, हाँ हाँ बिल्कुल. बिजॉय सर डायरेक्ट कर रहे हैं, विक्की कौशल और मैं एक साथ काम करने वाले हैं. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, क्योंकि श्याम कौशल जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन और वो उन्होंने एक पता नहीं मतलब ही अपने आप में वो इंडस्ट्री है, और एक इतने बड़े आदमी से मुझे मिलने को मिलेगा. आई एम श्योर सेट पे मैं जाऊंगा तो आई होप विक्की मुझे मिलवाएंगे, और विक्की के काम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सो एक फादर एंड सन, बोथ ऑफ देम आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क. एक जो देख के कनेक्ट होता है वो मुझे विक्की को देख के, अभी हम लोग मिले नहीं हैं हालांकि, बट उनका काम देख के और उनको देख के और उनको इवेंट्स पे देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और लगता है कि कोई बहुत सिंसियर और कोई बहुत प्यारा सा काम कर रहा है. एंड रमन राघव जो उनकी फिल्म आ रही है, अमेजिंग ट्रेलर, वो तो अनुराग सर को क्रेडिट जाता है, बट विक्की इज़ लुकिंग आउटस्टैंडिंग. नवाज सर तो हमेशा माइंड ब्लोइंग लगते हैं. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एक्चुअली मुझे ब्लड रश हो रहा है टू वर्क विद विक्की. Thank you.